नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। केंद्र सरकार ने रक्षा सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही गुरुवार को उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले घोषित ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। केंद्र की इस घोषणा के बावजूद युवा शांत नहीं हो रहे हैं। सबसे ज्यादा उग्र बवाल बिहार में हो रहा है। बिहार के समस्तीपुर और लखीसराय में शुक्रवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। कई एसी कोच को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच रेलवे ने कहा है कि 11 अन्य ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। वहीं विरोध की वजह से 72 अन्य ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसके अलावा यूपी के बलिया रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध किया। बिहार यूपी के अलावा हरियाणा में भी सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। हरियाणा के पलवल और अन्य शहरों से भी आगजनी की खबरें सामने आई हैं। संगरूर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत मान आज हल्का दिड़बा और सुनाम में आप उम्मीदवार गुरमेल सिंह घराचों के हक में रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मान ने आज हल्का दिड़बा में रोड शो का उद्घाटन किया और इसके बाद खनौरी, लहरा और छाजली में रोड शो है। इसके अलावा दोपहर को मुख्यमंत्री भगवंत मान लोगों को संबोधित करते हुए रोड शो कर रहे हैं। सीएम मान हल्का चीमा में, लोंगोवाल में और अंत में सुनाम में रोड शो करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल भी बरनाला के हल्का बदौड़ में आप उम्मीदवार गुरमेल सिंह के हक में रोड शो किया था और पंजाब के पुनर्निर्माण के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की थी। सीबीआई ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के कुछ ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक अग्रसेन के जोधपुर स्थित आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय भी अग्रसेन गहलोत के यहाँ छापेमारी कर चुकी है और वहाँ पर बता दें कि अग्रसेन गहलोत के यहाँ छापेमारी उस समय हो रही है जब दिल्ली में राहुल गांधी ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में गत 6 जून को गिरफ्तार किए गए संदीप केकड़ा ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि उसके भाई बिट्टू कालियावाली ने सिरसा के तख्त मल के निकू के साथ मिलकर मूसेवाला की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। उसने बताया कि 29 मई को उसके भाई बिट्टू ने उसे मोटरसाइकिल पर निकू के साथ मूसेवाला के प्रशंसकों के तौर पर उनके घर जाने के लिए कहा। उसने कबूल किया कि उन्होंने निकू के मोबाइल फोन पर गायक के साथ सेल्फी खींची और बाद में निकू ने सचिन थापन को मूसेवाला संबंधी तत्काल जानकारी देने के लिए वीडियो कॉल की और बताया कि सिद्धू बिना सुरक्षा के अपने घर से चल पड़ा है और खाली थार जीप में ड्राइवर सीट पर बैठा है। अब तक की जांच से यह बात सामने आई है कि पकड़े गए मुलजिम लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ब्राड, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई और विक्रम ब्राड जो अब दुबई में है उसके निर्देशों पर कार्रवाई कर रहे थे। इसके अलावा इन गैंगस्टरों ने फेसबुक प्रोफाइलों द्वारा मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्राड और अन्य को उनके गिरोह सदस्यों समेत मुलजिम और साजिशकर्ता के तौर पर नामजद किया गया है। पंजाब के लुधियाना में बड़ी वारदात सामने आई है जहां फोकल पॉइंट के डंडारी कला इलाके में एक पड़ोसी युवक ने 10 साल के बच्चे अमित को किडनैप कर लिया। उसके परिवार से उसने 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। 1.5 दिन बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच तो गई लेकिन बच्चा बरामद नहीं हुआ। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने बच्चे को मारकर उसका शव नहर में फेंक दिया है। इस संबंध में थाना फोकल पॉइंट में मुख्य आरोपी मुकेश कुमार और उसके साथी विकास कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस नीलो नहर में गोताखोरों की मदद से बच्चे के शव को तलाश रही है। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 1 महीने की पैरोल दे दी गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को जेल विभाग की ओर से पैरोल दी गई है। आज सुबह राम रहीम जेल से बाहर आए हैं और भारी सुरक्षा के बीच वह जेल से निकले हैं। बताया जा रहा है कि वह पैरोल अवधि के दौरान यूपी के बागपत आश्रम में ही रहेंगे। साध्वियों के यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा प्रमुख ने 17 मई 2021 को मां की बीमारी का हवाला देकर 21 दिन के इमरजेंसी पैरोल की मांग की थी। इस आवेदन पर उन्हें 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल मिली थी। पंजाब में चुनाव से पहले भी राम रहीम को पैरोल दी गई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हगलकुंड कोकरनाग इलाके में रात को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर जुनैद भट्ट और एक अन्य आतंकी बासिल भट्ट को सेना ने मार गिराया है। आईजीपी कश्मीर
विजय कुमार ने इस मुठभेड़ में पुष्टि की है कि आईजीपी ने बताया कि जुनैद के साथ मारे गए दूसरे आतंकी बासिल भट्ट ने ही 2021 के अगस्त महीने में भाजपा के सरपंच रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या की थी। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि जुनैद 2018 से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था और जबकि बासित भट्ट 2021 से एक्टिव हुआ। पुलिस दोनों की तलाश में काफी दिनों से लगी हुई थी। आईजीपी विजय कुमार ने यह भी बताया कि मिशीपुरा में मारे गए दो आतंकियों में एक जुबैर सोफी था और जो 31 मार्च को गोपालपुरा कुलगाम में हुई हिंदू अध्यापिका रजनी बाला की हत्या में शामिल था। 16-17 जून 2013 की आपदा से केदारपुरी धीरे धीरे उभर रही है। 9 साल पहले जो आपदा आई थी उसमें यह तीर्थ नगरी बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। मकान और गाड़ियां सैलाब में पत्तों की तरह ढह गए और बह गए थे। पूरे देश को हिला देने वाली इस भीषण आपदा के बाद शायद ही किसी ने सोचा हो कि दोबारा केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होगी और रिकॉर्ड रफ्तार पकड़ सकेगी। आपदा के बाद से केदारनाथ आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास किए गए। अब यहाँ के लोग आपदा के जख्मों को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। 16-17 जून 2013 की आपदा को 9 साल तब पूरे हो रहे हैं जब चार धाम यात्रा चरम पर है। 9 साल पहले भी यहाँ यात्रियों का हजूम था जब तबाही हुई थी और पूरी केदार नगरी के साथ ही रुद्रप्रयाग तक तबाही का मंजर दिखा था। कई परिवारों ने अपनों को खो दिया था, कुछ लोग तो अब तक लापता हैं। आपदा इतनी भयानक थी कि उसे याद कर अब भी कईयों की रूह कांप जाती है, लेकिन यादें धुंधलाती हैं और वक्त बदलता है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज।